आप देखिए, दुनिया में खुशी ढूंढने वाला व्यक्ति पूरी लाइफ में प्रोडक्ट्स को बदलता रहता है, संबंधों को बदलता रहता है, व्यवस्थाओं को बदलता रहता है, बदलता रहता है। ऊपर ऊपर है ना, पहले एक चीज ली, 2 साल बाद उसमें मजा खत्म, और लाओ नया कुछ, और लाओ नया कुछ। होता भिखारी है वो। हमारे पिताजी दृष्टांत देते थे, सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा है, उसके मन में इच्छा जगी, कोई मुझे कुर्ता दे दे, कुर्ता दे दे, कुर्ता, भीख मांगता, किसने कुर्ता दे दिया। 2 घंटे बड़ा खुश हुआ, फिर मन में सोचा यार बिना धोती के कुर्ता भी अच्छा नहीं है। कुर्ता रखा, कोई धोती दे दो, कोई धोती दे दो, किसने धोती भी दे दिया। अब धोती बांधी, कुर्ता पहना, बड़ा खुश, वाह आनंद हो, पूरा लाइफ सक्सेसफुल। थोड़ी देर में देखते देखते जेब में, अरे ये क्या छेद हो रहा है, ये जेब क्या, वो जेब खाली, अरे यार 1 रुपया दो, 2 रुपया दो। 2 साल में 20-25-50 हजार रुपया इकट्ठा किया, इस जेब में डाला, इस जेब में डाला, लाइफ पूरी हो गई, धोती कुर्ता जेब में पैसा। सुबह से शाम तक मस्त घूमा, रात होते फिर डर लगा ये पैसा ले ना जाए कोई, तो 5 हजार रुपया खर्च करके झोपड़ा बनाया, उसमें अंदर रहने लगा, बड़ा खुश, धोती कुर्ता पैसा वो भी सेफ। 2 घंटा सोया, फिर मन में बड़ी पीड़ा हुई, यार इसमें तो बड़ी गर्मी है, खुली हवा में सोता था अभी तक, बड़ा सफोकेशन है। फिर अरे कोई पंखा एक दे दो, कोई पंखा दे दो, कोई पंखा दे दो, पंखा, अरे अब तो एक बाथरूम भी इसी में एक बना लूं तो कितना बढ़िया हो, अरे अब तो एक चंद्रमुखी पत्नी और आ जाए तो क्या कहना, अब एक चंदा सा बेटा और हो जाए तो क्या कहना। पिताजी कहते, मांगते मांगते वो व्यक्ति बादशाह बन गया, पर अभी भी भिखारी है। पहले धोती कुर्ता मांगता था, अब दूसरे के राज्य को मांगता है, महाराज तेरा राज्य मेरा, वो सीमा मेरी हो जाए, वो सीमा मेरी हो जाए। तो हम प्रोडक्ट को बदलते रहते, इसलिए प्रोग्रेसिव नहीं है।